महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के हेतु से लाडली बहन योजना की शुरुआत 28 जून को विधानसभा में बजट पेश के दौरान इस योजना को पेश किया गया और इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने लाडली बहन योजना को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए 40,000 करोड़ रूपए खर्च करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रूपए मिलेंगे। इस योजना का लाभ सरकार द्वारा राज्य की गरीब एवं पात्र महिलाओं को केवल प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के लिए सरकार द्वारा नई नई योजना की शुरुआत की जा रही है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक जीवी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में शुरू करने का निर्णय सफल रहा है। 14 अगस्त की शाम से लाडली बहन योजना के रूपए 3,000 आने पर बहनों की खुशी दोगुना हो गई। सभी बहनों ने मोबाइल पर आने वाले मैसेज चेक करना शुरू कर दिए। 3,000 आने पर बहनों से सवाल पूछने पर सभी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनका धन्यवाद किया। आइए जानते हैं कुछ बहनों से इस योजना की बात। मुकेश मेश्राम मुक्काम से हो रहा मला माझी मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजनेअंतर्गत 3,000 रुपये माझ्या अकाउंटला जमा झालेले आहे 14 तारखेला। त्यासाठी मी माझा मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांची खूप खूप आभारी आहे। माझा नमस्कार, माझे पूर्ण नाव बबीता दीपक दिसने, राहणार झेंडा चौक शिहोरा, ग्रामपंचायत शिहोरा येथील मी रहिवासी असून मला 3,000 रुपयाचा लाभ 14 ऑगस्ट 2024 रोजी मिळालेला आहे। तरी मी एकनाथजी शिंदे यांचा खूप मनपूर्वक आभार मानते। माझे नाव कल्पना तेजराम ठाकरे, राहणार मुक्काम शिहोरा, तहसील तुमसर, जिल्हा भंडारा, रहिवासी असून मला लाडली बहिणा यांचे 3,000 रुपये आलेले आहेत आणि आर्थिक मदत पण झालेली आहे। आणि माझ्या ज्या बहिणी आहेत त्यांना पण 3,000 रुपये पाठवावे अशी विनंती करते आणि मी तुमचं हार्दिक अभिनंदन करत आहे। नमस्कार। NBC न्यूज के लिए सिहोरा से रणधीर नेमा की रिपोर्ट।